महाराष्ट्र में सियासी भूचाल, शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का किया ऐलान, कहा रिटायरमेंट ले रहा हूं। शरद पवार छोड़ेंगे एनसीपी अध्यक्ष पद, ऐलान होते ही समर्थकों का हंगामा, अजीत पवार बोले नए नेतृत्व को मिले मौका। मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा, नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार। उद्धव जी को अब जनाब ठाकरे बोलते हैं, बाबरी गिराते वक्त ठाकरे कहां थे, देवेंद्र फडणवीस का सवाल। एक बार बाला साहेब ने भी दिया था शिवसेना अध्यक्ष पद से इस्तीफा, लेकिन जनता के लिए वापस लिया, शरद पवार को संजय राउत की सलाह। शरद पवार के इस्तीफे के बाद तनाव, एनसीपी कार्यकर्ताओं ने रो रोकर इस्तीफा वापस लेने की मांग, कहा इस्तीफा वापस नहीं लेंगे तो अनशन करेंगे। मैंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, मस्जिद में जाना मतलब हिंदुत्व छोड़ना नहीं, तुम लोग भगवा को दाग लगाने की कोशिश कर रहे हो, उद्धव ठाकरे का जोरदार हमला। जमीन क्या होती है, अमित शाह को दिखाए बिना रहेंगे नहीं, खत्म करके रहेंगे, सभा में उद्धव ठाकरे ने भरी हुंकार। एमबीए की रैली में आई भीड़ से बीजेपी घबराई, शायद 10 साल तक बीएमसी का चुनाव नहीं होगा, संजय राउत का बड़ा बयान, फडणवीस बोले चुनाव भी होगा और तुमको हराएंगे भी। जांच नहीं करानी तो स्कूल में अडानी की जीवनी पढ़ाओ, बच्चों को पता तो चले पैसे अडानी कमाते कैसे हैं, उद्धव ने कसा तंज। मुंबई को कंगाल करने की हो रही है कोशिश, मुंबई तोड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं, भाजपा शिंदे पर उद्धव ठाकरे का जोरदार हमला। इस साल के दिसंबर तक शुरू होगा कोस्टल रोड, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि साल के अंत तक कोस्टल रोड शुरू कर दी जाएगी। महाराष्ट्र में बिगड़ा मौसम, मुंबई समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट। थाने में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या, पुलिस ने लिविंग पार्टनर के खिलाफ दर्ज किया मामला। एकनाथ शिंदे के पास बाला साहेब के विचार होते तो वो गद्दारी नहीं करते, उद्धव ठाकरे का हमला। सलमान खान की सिक्योरिटी पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा मुंबई से बेहतर नहीं है कोई जगह। अगर मैंने आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे के नाइट लाइफ का वीडियो सामने लाया तो कभी किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे, मोहित कंबोज ने संजय राउत को दी चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने द केरल स्टोरी पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से किया इनकार। महाराष्ट्र में फिर लगेगा बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार, 7, 8 और 9 मई के दिन मुंबई से सटे अंबरनाथ में लगेगा धीरेन्द्र शास्त्री का धाम। अब कॉल सेंटर पर फोन करने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप से होगा शिकायतों का निपटारा, 72 घंटे में समस्या होगी दूर। बाजार समितियों के नतीजे से गदगद हुए एमबीए, जयंत पाटिल ने कहा अब नहीं आएगी शिंदे बीजेपी सरकार। मुंबई में आज सोने चांदी के दामों में गिरावट, सोना 60,760 रुपए तोला, वही चांदी 76,000 रुपए किलो। महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का 89 साल की उम्र में निधन, कोल्हापुर में होगा अंतिम संस्कार। मुंबई एनसीबी को मिली बड़ी कामयाबी, 4.5 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार गिरेगी मतलब गिरेगी, ब्रजमुट सभा में आदित्य ठाकरे ने भरी हुंकार, कहा महाराष्ट्र को दिल्ली के सामने झुकाने की साजिश।